नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावे, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज बीए पाठ तृतीय इतिहास विषय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर समाहित महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने ब्रिटिश से भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत तत्कालीन समय में प्रचलित इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैतवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन किया था। उसी में ब्रिटिश राज व्यवस्था के अंतर्गत, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक नई पद्धति ईजाद की गई और उसे नाम दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था। ये लगान व्यवस्था के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने हितार्थ प्रचलित की गई। अब बात आती है महालवाड़ी व्यवस्था। जैसा कि नाम से विदित है, महाल यानी गांव, महाल से अभिप्राय है गांव, यानी गांव को एक इकाई मानते हैं। पूरे महाल या क्षेत्र के साथ जो समझौता किया गया उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अब इसमें जो व्यवस्था की गई उसमें जहां किसान लगान के लिए उत्तरदायी था, वहीं पूरी महाल भी इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी थी। और इसमें प्रधान या लंबरदार को भू राजस्व एकत्रित करके जमा कराने का प्रावधान था। जैसा कि महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रस्ताव होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। जैसा कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया और रैतवाड़ी रैत यानी किसान के साथ किया गया। तो इस व्यवस्था में जहां किसान इसके लिए उत्तरदायी था, वही पूरा महाल और प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। सरकारी लगान को एकत्रित करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र
सामूहिक रूप से जिम्मेदार था। महल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। यह व्यवस्था पंजाब प्रांत, संयुक्त प्रांत व मध्य प्रांत में सर्वप्रथम लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भूभाग सम्मिलित था और यह व्यवस्था 40 वर्ष के लिए निश्चित की गई थी। इस व्यवस्था में लगान की दर कुल उपज का 80% प्रारंभ में निश्चित की गई थी। कालांतर में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था, के सहयोग से 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 9 पारित करवाया। इसके अनुसार इस दर को कम करके 66% कर दिया गया, यानी जो लगान व्यवस्था इसमें ज्यादा निर्धारित की गई थी उसमें संशोधित करके उसे 66% कर दिया गया। 1855 ईस्वी में पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% निश्चित कर दिया, यानी जैसे जैसे लगान कम करने की आवाज उठती रही इसमें संशोधन करके 50% कम कर दी गई। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा, यानी किसान इस लगान व्यवस्था की दर से नाराज थे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह में इस व्यवस्था से प्रभावित
बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। अब ये बात पूरी तरह आप समझ चुके होंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था के प्रावधानों के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई। अब इसमें हम इसके क्या मेरिट और क्या डिमेरिट है, इसके गुण दोषों का जो है अध्ययन करेंगे। तो इसके जो गुणों के रूप में, इसकी अच्छाई के रूप में हम प्रथम पॉइंट के रूप में ये कह सकते हैं कि यह सहज चिंतन की संयुक्त भावनाओं को बढ़ावा देने वाली थी। यानी महालवाड़ी व्यवस्था में निहित उत्तरदायित्व एवं स्वामित्व ने सहज चिंतन की संयुक्त भावनाओं को बढ़ावा दिया। अब दूसरा जो इसकी विशेषता या गुण हम मानते हैं वो ये है कि वैयक्तिकता एवं सामूहिकता का सुखद समन्वय इसमें, वैयक्तिकता एवं सामूहिकता का सुखद समन्वय था। अर्थात भूमि पर स्वामित्व गांव समुदाय का होता था, किंतु कृषि की व्यवस्था करने में प्रत्येक साझेदार स्वतंत्र था। और नेक्स्ट जिसमें हम लेंगे वह शोषण की प्रवृत्ति से बचा। मध्यस्थों के अभाव में शोषण की समस्या उत्पन्न नहीं थी और इससे शोषण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे किसानों की आय में वृद्धि की संभावना, लगान अस्थायी रूप से निर्धारित होने के कारण भूमि की उर्वरता या कीमत बढ़ने पर काश्तकार की आय भी बढ़ सकती थी। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है या अच्छाई है वो ये है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा। इस प्रथा में लगान चुकाने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों था। इससे सभी अपने अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत थे। अब इसमें दोष जो हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट दोष हम लेते हैं कि किसान ही व्यक्तिगत रूप से भूमि का स्वामी, व्यवहारिक रूप में यह पाया गया कि इस प्रथा के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण समुदाय नहीं अपितु किसान ही व्यक्तिगत रूप से भूमि का स्वामी होता था। दूसरा इसका दोष था सरकारी अधिकारियों द्वारा पक्षपात,
माल गुजारी निर्धारण में सरकारी अधिकारियों द्वारा पक्षपात एवं मनमानी करने की आशंका बनी रहती थी। और नेक्स्ट जो दोष इसमें देखते हैं वो ये कि जमींदारी प्रथा की अनुभूति, उत्तर प्रदेश में इसमें जमींदारी प्रथा के स्थान या जमींदारी प्रथा के समान लागू किया गया, जिसमें जमींदारी प्रथा के सभी दोष यानी सभी दोषों का इसमें अनुभव किया गया। नेक्स्ट जो दोष हम इसमें देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त का ही परिवर्धित रूप, स्थायी बंदोबस्त का ही परिवर्धित रूप। इस प्रणाली में स्थायी बंदोबस्त के सभी दोष थे। यह प्रणाली स्थायी बंदोबस्त का ही परिवर्धित रूप कहला सकती है। और नेक्स्ट बिंदु के रूप में जो हम लेंगे वह प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न होना। यद्यपि सरकार द्वारा किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन सरकार तथा किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न होने से सरकार को किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट है कृषक वर्ग का शोषण। इस व्यवस्था में भूस्वामी जमींदारों की भांति किसानों का शोषण करते थे, अतः इस व्यवस्था से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। और नेक्स्ट जो दोष है वह महाजनों का दखल बढ़ना। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर काश्तकारों को बसाने तथा लगान में वृद्धि करने का अधिकार महाजनों को था, जिसका उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। नेक्स्ट जो दोष हम इसमें देखते हैं वो यह है कि करों के भारी बोझ से किसानों की दशा बिगड़ना। इसमें लगान की दर बहुत अधिक निर्धारित की गई थी। आरंभ में ये 80%, उसके बाद 2/3 भाग निर्धारित की गई और अंत में 1/2 भाग कर दिया गया। इस तरह करों के भारी बोझ से किसानों की दशा निरंतर बिगड़ती गई। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी द्वारा इजाद की गई इस नई व्यवस्था में भी भू राजस्व के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ और किसान निरंतर आर्थिक दृष्टि से
कमजोर होते गए और इस तरह वो कर्ज युक्त हो गए। धन्यवाद।